जन्माद्यशयतनिभयादितरितः चार्थे अभिज्ञः स्वरा इतेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ते यत् सूरयः इतेजो अवज्ञः जो समस्त प्राणियों का जन्म कर्म उनके भूत भविष्यत को जानने वाले जो अभिज्ञः स्वराट जो सब कुछ जानने वाले हैं और जो स्वराट पुरुष है। स्वराट किसको कहते हैं? सेनैव राजति इति स्वराट, जो परम स्वतंत्र होते हैं उनको स्वराट कहा जाता है, जिनके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं चलता उनको स्वराट कहते हैं। और स्वरूपस्थ इति स्वराट, जो अपने रूप में भी स्थित रहते हैं उनको भी स्वराट पुरुष कहा जाता है। तो स्वराट के मतलब है जो जिनके ऊपर किसी का वश नहीं चलता। भगवान कृष्ण का एक नाम है केशव। केशव का मतलब होता है क्व रुद्रह क्व ईशह सर्व प्रसाद सहित केशव। जो तो क्व रुद्रह मतलब शंकर जी, क्व ईशह कहा तो ब्रह्मा जी, जिनके ऊपर जिनका शासन चलता है उनका नाम है केशव। तो स्वराट के मतलब जो परम स्वतंत्र है उनको स्वराट कहते हैं। और तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान कृष्ण ने सृष्टि तत्व, भगवत तत्व और जीव तत्व प्रकाश किया, उनको प्रदान किया। और चतुर्श्लोकी भागवत के माध्यम से, तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे जो ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करने वाले कौन है? भगवान कन्हैया है। बहुत लोग कहते हैं ये ग्रंथ जो है, ये जो श्लोक है, ये श्लोक हर एक के लिए है, मतलब हर एक देवी देवता के लिए है। परंतु पूर्ण रूप से ये सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी ज्ञान प्रदान करने वाले कौन थे? बोलते भगवान कृष्ण थे। तो इसलिए चतुर्श्लोकी भागवत के माध्यम से भगवान ने उनको सृष्टि तत्व, भगवत तत्व और जीव तत्व ऐसा ज्ञान प्रदान किया। और यत मुह्यन्ति सूरयः अपि सूर्यः, बड़े बड़े सूर्य मुक्त पुरुष भी भगवान की लीलाओं को देखकर के समझ नहीं पाते, मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े विज्ञ भी मोहित हो जाते हैं। हम देखते हैं ना ब्रह्म मोहन लीला, इंद्र बताओ स्वर्ग की राजा, वो भी मोहित हो गए और बार बार भूल और जाते हैं। इंद्रदेव का ही परेशानी भी है, वो बार बार भूल भी जाते हैं कि भगवान है। भगवान जब पारिजात पुष्प के लिए गए थे तो उनसे लड़ मरे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े सूर्य लोग भी, मुक्त पुरुष भी भगवान के लीलाओं को देखकर के समझ नहीं पाते, मोहित हो जाते हैं। और
तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो। मृदाम के मतलब होता है बालू, जिस प्रकार दूर से रेत कैसे प्रतीत होता है जैसे पानी है, और पास में जाएंगे तो क्या होगा एकदम सूखा। तो उसी प्रकार ये संसार का जो माया है सत्यवत प्रतीत होता है कि ये हमेशा रहने वाला है, परंतु ये हमेशा रहता नहीं है, ये क्षणिक है। तो इसलिए ऐसा हमको प्रतीत होता है कि ये हमेशा रहने वाला है, परंतु ये हमेशा रहता नहीं है। और यत्र त्रिसर्ग अमृषा, तीन सर्ग है, ये जो तीन सर्ग है ये अमृषा है। अमृषा मतलब होता है हमेशा रहने वाला। तीन सर्ग कौन कौन सा है बोलते, जीव चित सर्ग, जीव सर्ग और ये माया सर्ग, ये भौतिक जगत। ये जो तीनों जगत है, चित जगत भगवान का लोक, जीव जगत जहाँ से जीवों का उत्पत्ति होता है, और ये माया जगत मतलब ये कारागार, ये जो माया का कारागार ये जगत है। ये तीनों जगत अमृषा है, हमेशा रहने वाला, कभी ये मिटने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि सर्ग अमृषा। और धामना स्वेन सदा निरतस्य कुहकं सत्यं परम धीमहि। भगवान अपने स्वयं रूपी धाम वृंदावन में विराजमान है। भगवान कहते हैं वैसे तो मैं सब जगह में रहता हूँ, प्रत्येक एक जगह में रहता हूँ, हर एक जगह में मेरे पास भगवान तो भगवान जिस प्रकार आकाश जल पृथ्वी के रूप में रहते हैं, परंतु अपना स्वधाम में भी रहते हैं, उसी प्रकार मैं संसार में सर्वत्र होता हूँ, फिर भी मैं अपना स्वयं वृंदावन धाम में नित्य विराजता हूँ। और जहाँ पे क्या है बोलते कुहकं, जहाँ पे जड़ माया नहीं है, जहाँ पे क्या कौन सा माया है बोलते भगवान का आत्मा स्वरूप माया है, जो ये जड़ माया नहीं है। भगवान अपने आत्मा स्वरूप माया को लेकर के उस स्वयं धाम वृंदावन में विराजते हैं। ऐसे जो भगवान है, ऐसे भगवान को हम सत्यम परम धीमहि, हम सब लोग ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं। और व्यास जी दूसरा श्लोक बोलते हैं भागवत का कि धर्म निर्मलराणां सका वैद्यं वास्तवत्र वस्तु शिवदं तापत्रयन्मूलना। कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते परेश्वरः सद्योरिद्यपरुद्धतकृतिभिः श्रुश्रुषुभिस्तक्षणात्। बोलते धर्म प्रज्ञित कैतवत्र परम। भागवत में जो कैतव धर्म है इसको व्यास जी ने निकाल दिया है। अब ये कैतव धर्म किसको कहते हैं बोलते कैतव धर्म कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चार प्रकार का जो पुरुषार्थ धर्म है व्यास जी ने इसको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि कैतव धर्म से जीव का अत्यंत के कल्याण नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसा धर्मों को अपनाना पड़ेगा जिससे जीव का अत्यंतिक दुख खत्म हो और अत्यंतिक कल्याण हो। बोलते वो ऐसा धर्म कौन सा है बोलते परम धर्म है। परम धर्म के मतलब क्या होता है
वैसे धर्म का मूल परिभाषा जो है वो भक्ति है। क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान गीता में कहते हैं ना, स्वल्प अपि धर्मस्य त्रायते महतो भया। जो मेरे धर्म रूपी भक्ति का थोड़ा सा भी पालन करेगा वो इस भवसागर से तर जाता है। तो इसलिए धर्म का मूल परिभाषा क्या है? भक्ति है। तो यहाँ पे परम धर्म के बारे में व्यास जी बोल रहे हैं। कौन से भक्ति? कि अन्याभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादिनावृता अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति रूतम। कहते कि देखो, अन्य अभिलाषित शून्यम, जितने भी प्रकार के कृष्ण को छोड़ के अन्य अभिलाष है उस सब से शून्य होना पड़ेगा। और ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम, देखो ज्ञान कर्म को मिटाने के लिए कहा, अन्य अभिलाष को जीरो कहा। अन्य अभिलाष कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। परंतु ज्ञान कर्मों को जीरो नहीं कहा, ज्ञान कर्मों को क्या कहा? बोलते अनावृतम, मतलब ज्ञान कर्म द्वारा भक्ति ढकी हुई नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम ज्ञान नहीं रहेगा तो हम जी नहीं सकते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं जैसे धतुरा का फल है, ये भी ज्ञान नहीं रहेगा कि धतुरा का फल करता क्या है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो धतुरा का फल खा ले तो क्या होगा? कुछ हो ना हो कम से कम बाबरा तो हो जाएगा, पागल तो हो ही जाए, है ना? तो इसलिए धतुरा का फल खा लेने से ऐसा होता। तो इतना ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो ज्ञान भक्ति को ढकना नहीं चाहिए और कर्म भी भक्ति को ढकना नहीं चाहिए। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत। हम एक पल भी कर्म किए बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो कर्म तो हम करेंगे ही। बोलते देखो, जो लोग पंगु हो जाते हैं या पैरालाइज में चला जाता है वो लोग अब उनका कोई कर्म नहीं होता। बोलते नहीं नहीं, उनका भी कर्म होता है। कैसे? बोलते देखो, वो श्वास क्रिया करता है कि नहीं करता? श्वास लेता है, तो ये भी कर्म है। श्वास लेना, खाना पीना, ये सब कर्म है। तो कहते हैं जीव एक पल भी कर्म किए बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो क्या करना चाहिए? बोलते अच्छा कर्म करो। फिर क्या? बोलते भक्ति का पालन करना चाहिए। तो कर्म भक्ति को ढकना नहीं चाहिए। और अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, अनुकूल रूप से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। अब अनुकूल होता क्या है हमको नहीं मालूम। बोलते देखो, अनुकूल जो है भगवान को अच्छा लगना चाहिए। और कैसा अच्छा लगना चाहिए? केवल अच्छा लगने से काम नहीं चलेगा, भगवान के अनुकूल भी देखना पड़ेगा, भगवान का हित कर। अब देखो, एक बच्चा है, माँ है, बच्चे जैसे अग्नि के पास बार बार अग्नि कुंड में जाता हो तो क्या माँ उसको अग्नि कुंड में ढकेल देगी? क्या ऐसा तो नहीं करेगी ना? क्या करेगी? वो अग्नि को एक बार टच करा देगी और देखा देगी कि देखो अग्नि कैसे जलाती है, है ना, जलाता है। तो कहने की तात्पर्य, बच्चे को जो अच्छा लगता है वो चीज माँ नहीं देती है। उसी प्रकार भगवान को जो अच्छा लगे वो अनुकूल है, ऐसा नहीं है। देखो, चामुर मुष्टिर से जब भगवान लड़ाई किया था तो भगवान को बहुत आनंद आ रहा था वीर रस में, परंतु वो अनुकूल तो नहीं था। क्यों? क्योंकि चामुर मुष्टिर के अंदर ऐसा था कि मैं भगवान को मार दूं। परंतु यहाँ मैया जशोदा जो है भगवान को पटक देती है जमीन में और दूध की रक्षा करने के लिए चल पड़ती है।
तो यहाँ तो कृष्ण रोष हो जाता है, क्रोध हो जाता है, तो क्या यहाँ अनुकूल नहीं है? बोलते हैं यहाँ अनुकूल है। क्यों? क्योंकि मैया कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण प्रीति के लिए जा रही है, तो इसलिए अनुकूल के मतलब कृष्ण के हितकर भक्ति होनी चाहिए। अनुकूल के मतलब केवल कृष्ण को अच्छा लगे ऐसा नहीं, हमारे कृष्ण को हित भी है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा, इसको कहते अनुकूल। एक है धर्म, एक है परम धर्म, और एक भक्ति, एक है शुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति। केवल जल कहने से व्यक्ति क्या लाएगा? शुद्ध जल लाएगा, है ना? और जल में अगर कुछ मिश्रित हो जाता है तो उसको जल नहीं कहेंगे, मिश्रित युक्त जल कहेंगे। कैसे? जैसे जल में नींबू मिला दो तो फिर केवल पानी थोड़ी रहा, क्या होगा? वो नींबू पानी। अब जल में पीला मिला दो तो पीला पानी हो जाएगा, लाल पानी हो जाएगा। उसी प्रकार शुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति कहने की तात्पर्य है कि अन्य अविलासित शून्यम, ये भक्ति को समझना चाहिए। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत भक्ति होता है, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, ये सब भक्ति भी होता है। परंतु शुद्ध भक्ति कहने की तात्पर्य है केवल अन्य अभिलाषित भक्ति। तो व्यास जी जो यहाँ पे परम धर्म के बारे में बता रहे हैं कि परम धर्म है भगवान कृष्ण की भक्ति। प्रत्येक एक जीव का परम धर्म क्या है? भगवान अध्यक्ष जी का भक्ति करना चाहिए। तो ऐसा जीव जब भक्ति करता है तो क्या होता है? तो निर्मत शरणम, इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए? बोलते मत्सर्य से रहित होना पड़े। मत्सर्य मतलब ईर्षा। अब देखो मच्छर और मत्सर्य में ज्यादा अंतर नहीं लगता शब्द में। हाँ, बाहर से व्यक्ति को मच्छर काटता है तो मच्छरदानी में घुस जाओ, परंतु अंदर का मच्छर जो काटेगा फिर कहाँ जाएंगे हम? हाँ, तो इसीलिए अब देखो ये अंदर का मच्छर कैसा है, बोलते दिखता और नहीं, ये काटता बहुत जोर जोर से है। बोलते ये क्या है? बोलते ईर्षा। जो देख के ईर्षा करता है, ऐसा जो ईर्षा होता है, बोलते ईर्षा के अंदर व्यास जी ने केवल ईर्षा को निकालने के लिए कहा, काम को नहीं कहा, क्रोध को नहीं कहा। क्यों? बोलते ईर्षा के अंदर ये पांचों चीज विद्यमान होता है। ईर्षा के अंदर कौन कौन सा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, हा? ये सब ईर्षा के अंदर ही विद्यमान होता है। इसलिए व्यास जी कहते ईर्षा को निकाल दो। कैसे? इसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं परम पूज्य भारती महाराज जी से मैंने सुना था, इनका बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। बोलते देखो जैसे शब्द में एक तत्व होता है, श्रवण आकाश में एक तत्व होता है, क्या है? श्रवण तत्व। और वायु में दो तत्व होता है, कौन कौन सा? श्रवण भी और स्पर्श भी। और वही तेज में आकर के तीन तत्व हो जाता है, श्रवण, स्पर्श और देखना भी। हमको आग जब जलता है तो दिखता भी है उसका रूप भी। तो ये अग्नि में आके तीन तत्व हो जाता है और जल में आके चार तत्व हो जाता है, श्रवण और स्पर्श और रूप भी, और अपना जल का जो रस वो रस भी, चार तत्व हो जाता है। और पृथ्वी में आकर के पांच तत्व होता है। अच्छा बताओ जल में भी अग्नि है कि नहीं? बहुत लोग कहेंगे पानी में कोई अग्नि होता है? बता, हाँ पानी में भी अग्नि है। कभी कभी जो समुन्द्र में आता है ना सुनामी, वो कैसे होता है? पानी का विस्फोट होता है तभी तो सुनामी आता है ना। तो इसलिए पानी में भी तेज विद्यमान है और धरती में ये पांचों चीज विद्यमान होता है। धरती का रस भी होता है, रूप भी होता है,
और इस स्पर्श भी होता है, शब्द भी होता है, और धरती का अपना जो है वो है गंध। तो ये पांचों चीज धरती में विराजमान होता है। उसी प्रकार जिनके अंदर जितने परिमाण में ईर्ष्या है, उनके अंदर उतने ही परिमाण में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये रहेगा। इसलिए व्यास जी कहते हैं ईर्ष्या को निकाल दो। हाँ, बोलते दूसरे की बढ़ोतरी, दूसरे की प्रतिष्ठाओं को देख करके जो ईर्ष्या करते हैं वो ठीक नहीं होता। और ऐसा जब व्यक्ति ईर्ष्या को निकाल देता है तो क्या होता है? हाँ, सताम, वो फिर साधु बन जाते हैं। हाँ, ऐसे जो निर्मत शरीर से रहित जो साधु होते हैं, जो ऐसे साधु बन जाते हैं तो फिर क्या होता है? बोलते वैद्यम वास्तव वस्तु अत्र शिवदम, वो वास्तविक वस्तु को प्राप्त कर लेता है। वास्तविक वस्तु कौन है? बोलते भगवान श्री कृष्ण है। हम लोग सभी दुखी है, क्यों? जीव तब तक दुखी रहेगा जब तक जीव भगवान को जान ना ले, ना पा ले, तब तक जीव दुखी ही रहेगा, कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं जब साधु ऐसा सताम हृदय वाले हो जाते हैं तो ऐसे वास्तविक वस्तु को प्राप्त करता है। हाँ, और वास्तविक वस्तु जब जीव प्राप्त कर लेता है फिर क्या होता है? हाँ, बोलते शिवदम शिवम कल्याणम ददति ति शिवदम, फिर उनके जीवन में कल्याण ही कल्याण आता है। हाँ, भक्ति का छह लक्षण होते हैं, भक्ति करने से ये सब चीज आता है। हाँ, भक्ति करने से ये सब चीज आता है। भक्ति का स्वभाव है कि आनंद प्रदान करना, ये भी भक्ति का स्वभाव है। समस्त कल्याण को प्रदान करना, ये भी भक्ति का स्वभाव है। रूप गोस्वामी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया। हाँ? कौन सा महाराज? हाँ, तो वो बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है। तो कहने की तात्पर्य है भक्ति करने से ही उसको आनंद प्रदान करता है। तो इसलिए कह रहे समस्त कल्याण उसको हो जाता है। फिर तापत्राय विनाशाय, और त्रिताप भी नष्ट हो जाता है, आदि दैविक आदि भौतिक भी। परंतु व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, व्यास जी स्वयं कह रहे हैं किंबा परेश्वरः, अरे दूसरे दूसरे ग्रंथ के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भागवती ही सब कुछ दे सकती है। यहाँ तक व्यास जी ऐसे कह रहे हैं दूसरे दूसरे देवी देवता का आराधना करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल गोविंद का आराधना करोगे तो सबको प्रसन्न कर लोगे, इधर उधर भटकने से कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, तो व्यास जी कह रहे किंबा, किसी लिए परईश्वर और दूसरे ईश्वर के पास भटकते रहते हो, इसलिए यह भागवत का एकांत रूप से आश्रय करो तो क्या होगा? कल्याण होगा। और क्या होगा? जैसे सुनने का इच्छा हो जाए ऐसे भागवत को, श्रोतम इच्छा भी, सुनने की इच्छा होने मात्र से ही बोलते हरि अवरुद्धते, भगवान उसके हृदय में प्रकट होकर के बंद हो जाता है, हृदय रूपी कपाट में बंद हो जाते हैं। बताओ ऐसे भगवान को छोड़ के भला कहीं कोई भटक सकता है? हा? कैसे दयालु भगवान है जो जीव सुनने की इच्छा मात्र करने से ही भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। बताओ ऐसा दयालु भगवान कोई हो सकता है? तो इसलिए व्यास जी कह रहे हैं ऐसे दयालु प्रभु को छोड़ के कहीं भी मत भटको। और फिर व्यास जी तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? कि निगम कल पतरूर गलितम फलम सुख मुखामृत द्रव संयुतम कि पिबत भागवत रसमालयम
वेद है निगम, वेद को निगम कहते हैं, निगम मतलब होता है वेद। ऐसे निगम रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ गलितम फलम वो क्या है, बोलते सुखमुख अमृत द्रव संयुतम। वैसे भागवत सबके लिए सुलभ नहीं है, परंतु सुखदेव गोस्वामी महाराज जी का मुखार वृंद अधर ये उच्चिष्ट हो जाने के कारण इस सबके लिए मानो सुलभ हो गया है। देखो सुख मतलब होता है तोता, ये जो सुख मतलब तोता होता है ना, ये तोता जिस फल में मुंह मारता है ना, ये फल मीठा जरूर होता है। अब देखो ऐसा सोच लो, तोता उसी फल को चखता होगा जो फल पहले से मीठा हो, या तो ऐसे समझ लो कि तोता खाने से तो मीठा होता ही है। उसी प्रकार यह भागवत कथा जो है, ये भागवत अमृत जो है, ये भगवान सुखदेव गोस्वामी महाराज जी का अधर्म का स्पर्श हुआ, इसलिए हम सब कलिहत जीवों के लिए ये सुलभ हुआ है। बोलते देखो ये सुखदेव गोस्वामी महाराज जी का अधर का मतलब क्या है, बोलते ये सुखदेव गोस्वामी महाराज जी का अधर के मतलब होता है राधा रानी का अधर शुद्ध। क्यों 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 बोलते जो ये जो सुखदेव गोस्वामी महाराज है ये कोई साधारण तोता नहीं है, ये राधा रानी का पालित तोता है। राधा रानी कभी कभी इस तोता को चुम्बन करती थी। अब बताओ वही चुम्बन जो अधर है राधा रानी का अधर, ये तोता प्राप्त किया, और यही तोता प्राप्त कर कर यह भागवत में भी इन्होंने डाला, तो ये अधर सुधा किसका है, राधा रानी का हुआ ना। तो कहते हैं कि प्रिया चुम्बने राधा रानी जो है इस तोता को कभी कभी चुम्बन करती थी, तो वही ये तोता है जो राधा रानी का रस सुधा, राधा रानी का अमृत वाणी ही यह भागवत कथा है। इसलिए ये भागवत में हर जगह में राधा रानी का ही अधर सुधा है, लोग जान नहीं पाते, परंतु वास्तविक में राधा रानी का ही अधर सुधा है यह भागवत कथा। अब देखो भक्ति कहने से भक्ति आती कहाँ से, भक्ति जो है राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान, उन्हीं की भक्ति के व्रतियों से ही सभी भक्त भक्त करते हैं। जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, ये क्या हमारा स्वभाव है, देखा जाए हम तिलक लगाते हैं, माला जप करते हैं, कंठी पहनते हैं, ये क्या हमारा अपना स्वभाव है, बोलते नहीं, ये किसका स्वभाव है, बोलते हमारे गुरुजी का स्वभाव है। गुरुजी का जो स्वभाव है वो शिष्य के हृदय में आता है भक्ति, तब जाके ये स्वभाव में हम करते हैं, हम सकते हम करने पर हम नहीं कर सकते हैं, ये गुरु जी का स्वभाव होता है। तो ये गुरु जी का स्वभाव अपने गुरु जी के स्वभाव से है, और उनका जो स्वभाव है उनके अपने गुरु जी के स्वभाव से है, ऐसे पूरा राधा रानी से ही ये स्वभाव आया है। तो इसलिए ये स्वभाव वास्तविक में किसका है, राधा रानी का है। तो इसलिए सुख मुख अमृत मतलब ये राधा रानी का अधर सुधा यह ग्रंथ, इसलिए ऐसा व्यक्ति इसको सुन के आनंद लेते हैं। मुहुरोह रसिका भूमि भाव, जो रसिक भक्त होते हैं और जो भावुक भक्त होते हैं वो इस भागवत कथा को सुन करके आनंद प्राप्त करते हैं। इस भागवत कथा को सुन के आनंद प्राप्त करते हैं।
तो इसलिए ये संपूर्ण भागवत जो है ये राधा रानी का अधर सुधा ही मानना चाहिए। तो इसलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये